नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन का जो मुद्दा है, जो विषय है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने पावर की या पैसों की मिसयूज़ करके या पोजीशन का मिसयूज़ करके फॉल्स कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे अगर कंप्लेंट फाइल हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जरूरी लीगल इश्यूज पे जो डिस्कशन है उससे आप जुड़े रहें, जो कि हम टाइम टू टाइम करते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर दो लोगों में डिस्प्यूट है तो उनमें से कोई एक अपनी पावर को या पोजीशन को या पैसों को मिसयूज करके दूसरे को किसी तरीके से प्रेशराइज करना चाहता है। मान लीजिए बिल्डर और बायर हैं, उनमें ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है कि मान लीजिए बिल्डर ने बायर को जो प्रॉपर्टी है रेडी करके कुछ समय के अंदर देनी थी, मान लीजिए 2 साल के अंदर देनी थी, और किसी कारणवश वो 2 साल में उस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करके नहीं दे पाया, तो हो सकता है कि बायर उन पे FIR फाइल करते। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डर के जेन्युइन रीजंस हो, जिस वजह से कुछ महीनों से बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले हो गई हो, तो बायर उस पे प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए हो सकता है FIR फाइल कर दे। ऐसा भी होता है कई बार कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है पैसा लेन देन का, और किसी कारण से जिन्होंने पैसे देने थे वो पैसे नहीं दे पा रहे, उनकी स्थिति चेंज हो गई है, या किसी कारण से वो पैसों को रीपे नहीं कर पा रहे, तो जिनको पैसे रीपे करने थे वो उन पे प्रेशर डालने के लिए एक उन पे FIR फाइल कर देते हैं या क्रिमिनल केस फाइल कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जो सिचुएशंस होती है चेक बाउंसिंग के केस में, जनरली चेक बाउंसिंग का एक 138 का केस होता है, पर अक्सर हम देखते हैं लोग FIRs भी फाइल कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपके खिलाफ सिचुएशन को या पैसों को या पावर को मिसयूज करके अगर कोई कंप्लेंट फाइल हो गई है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। और हाँ, एक और एग्जांपल बहुत ही एप्ट एग्जांपल है हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स का। जनरली हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट होता है वो जाता है फैमिली कोर्ट। एक स्पेशल कोर्ट इसलिए बना है क्योंकि जो उनके डिस्प्यूट्स होते हैं हस्बैंड और वाइफ के, वो ऐसे होते हैं कि उनमें बहुत ही ज्यादा टेक्निकल कोर्ट नहीं जाती मैटर को रिजोल्व करने के लिए, बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे डिस्प्यूट्स में ईदर ऑफ द पार्टीज क्रिमिनल केस फाइल कर देती है, तो और वो भी कई बार पैसे पावर या आपकी पोजीशन को मिसयूज करके ऐसे केसेस फाइल होते हैं, और हस्बैंड को या वाइफ को हो सकता है पुलिस से हरासमेंट फेस करनी पड़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, लॉ में एक ऐसा प्रावधान है जिसे अगर आप यूज करें तो वो केस जो फॉल्स केस है, अगर आप कोर्ट को यह दिखा सकते हैं कि आपके खिलाफ जो केस फाइल हुआ है वो केस फॉल्स है, तो वो केस को खत्म कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और ये प्रावधान है सेक्शन 482 ऑफ CRPC। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 482 ऑफ CRPC जो है वो देता है हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज। इनहेरेंट पावर्स मतलब कि जैसे कोर्ट्स कैसे फंक्शन करेंगी, ये सारी चीजें एक प्रोसीजरल लॉ होता है उसमें दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिविल केसेस जो होते हैं वो कैसे रन करेंगे, वो सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है, और वैसे ही क्रिमिनल का भी प्रोसीजर कोड होता है जो कि बताता है कि क्रिमिनल केसेस कैसे रन करेंगे। पर उसके अलावा भी मान लीजिए कोर्ट के सामने कोई ऐसे केसेस आते हैं इसके बारे कोई प्रोसीजर बिल्कुल ले डाउन ही नहीं किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हाईकोर्ट अपने हाथ बंद कर लेगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा या हाथ जोड़ देगा पार्टीज के सामने कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसीजर में नहीं ले डाउन किया गया है। जी नहीं, ये जो प्रोसीजरल लॉ है जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है। इनहेरेंट मतलब उनके पास वो पावर बिना बोले ही है, वो उनकी अंदरूनी पावर है हाई कोर्ट की कि वो दो पार्टीज के बीच में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो इस प्रावधान को जनरली यूज किया जाता है, मान लीजिए अगर किसी के खिलाफ फॉल्स कंप्लेंट फाइल हो गया, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, तो उसमें अगर हस्बैंड कोर्ट को ये दिखा सकते हैं कि वाइफ मेरे को छोड़कर चली गई थी, मैंने वाइफ को वापस लाने के लिए एक
केस फाइल किया था, सेक्शन 9 आरसीआर का केस जिसे हम कहते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो केस होता है, मैंने अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए ये केस फाइल किया था, पर मेरी वाइफ वापस नहीं आ रही है और वापस आने के बजाय उन्होंने मेरे खिलाफ केसेस फाइल कर दिए हैं, क्रिमिनल केस फाइल कर दिया है, तो कोर्ट ये सारी चीजों को देखती है। या हस्बैंड अगर कहें कि हमारे बीच में एक डिवोर्स का केस ऑलरेडी पेंडिंग है, या मैंने उनको नोटिसेस भेजे हैं वापस आने के, उसके बावजूद वो वापस नहीं आ रही हैं और उन्होंने मेरे खिलाफ ये केस कर दिया है, क्रिमिनल केस कर दिया है, तो हाईकोर्ट उन सारी चीजों को देखेगी। देख करके ऐसे केसेस में जनरली हाईकोर्ट मैटर को क्वॉश कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दूसरा सिविल डिस्प्यूट है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी जो कि एक पार्टी ने फुलफिल नहीं की कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, मान लीजिए पैसे देने थे या कोई प्रॉपर्टी देनी थी किसी को और वो नहीं दे पाए और वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया है और जिसके साथ वो ब्रीच हुआ उसने क्रिमिनल केस फाइल कर दिया है, तो अब हाईकोर्ट को जाकर दिखाएं कि ये कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये एक सिविल डिस्प्यूट है जिसके लिए कि दूसरी पार्टी को, मान लीजिए मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो आई विल कॉम्पेंसेट हिम, मैं उनको जो भी उनका एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है मैं उन्हें दूंगा, बट दिस इज नॉट अ क्रिमिनल डिस्प्यूट। तो द हाईकोर्ट विल ऑफकोर्स लुक इन टू दिस, और हाईकोर्ट ऐसे मैटर्स में अगर ये हाईकोर्ट के सामने दिखा दिया जाता है कि ये प्राइवेट डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है, तो हाईकोर्ट 482 के अंडर इस केस को क्वॉश कर देती है। और दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 482 के अंडर एक केस फाइल होता है तो जब तक वो मैटर डिसाइड नहीं होता है तब तक हाईकोर्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उन्हें स्टे कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एफआईआर फाइल हुआ है और एफआईआर जो फाइल हुआ है उसमें जो सेक्शन, जो धाराएं लगी हैं वो ऐसी हैं जिनमें आपको बेल नहीं मिल सकती है, तो अगर आपने हाईकोर्ट में ऐसे केस के लिए 482 का पिटिशन फाइल किया है तो जब तक आपके 482 का पिटिशन हाईकोर्ट डिसाइड नहीं करता है तब तक पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। उसमें आपको ऑफकोर्स एक एप्लीकेशन फॉर जो स्टे होता है वो फाइल करना होगा 482 के पिटिशन के साथ, और हाईकोर्ट देखेगा कि जो भी सिचुएशन है उसको जस्टिफाई करते हैं कि क्यों आपके अगेंस्ट कोर्सिव स्टेप्स नहीं लेने लिए जाने चाहिए। पर जनरली जब हम 482 के पिटिशन फाइल करते हैं तो उसके साथ एक स्टे की एप्लीकेशन भी लगती है, और अगर आपका केस ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट फॉल्स केस फाइल हुआ है तो हाईकोर्ट जनरली वो स्टे अलाउ कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको इससे फ़ायदा हो और जो लीगल नॉलेज है वो आपकी किसी तरीके से उसमें हेल्प की हो इसने। और अगर आपको इस वीडियो से आपको लगता है किसी का फ़ायदा हो सकता है तो इसको आप कृपया शेयर करें, और ताकि एक लीगली कॉन्शियस और लीगली अवेयर एक कम्युनिटी बन पाए। और विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स। और हाँ, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया उसे लाइक भी करें, क्योंकि उसी से एक कम्युनिटी बन पाती है, एक लीगली अवेयर कम्युनिटी बन पाएगी जिसमें हमें हमारे राइट्स के बारे पता हो, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे लीगल डिस्कशंस करते रहते हैं। तो विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड टेक केयर।